कर दिया उन्होंने, ये गलत की आबादारी लोग लड़ रहे इसके ऊपर उन लोग इसको मैंने रोका इसको कैसे किसी का फंस के ऐसे करो किसी का ऐसे करो मैंने भाई सलाह रोक कैसे करो मैंने गाड़ी ऊपर चक्कू तक निकाला इन्होंने, वो चीज इन्होंने ये किया ऊपर चक्कू भी निकाला दो बार गाड़ी ओवर कोई मर जाता मेरे बाल बच्चे जेल में होना था ये सीधी तस्वीरें पुरहा से आप जो है सोलन सब्जी मंडी के पास से देख रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन अब मौके पर पहुंच चुका है और जिन्होंने बस को रोका है उनके साथ बातचीत चल रही है। पुलिस प्रशासन ये जानने की कोशिश कर रहा है क्या मुद्दा है, क्यों बस को रोका गया है। आइए आपको सीधा बस के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। सवारियां बैठी है और कहीं ना कहीं सवारियों के अंदर भी एक डर का माहौल होगा कि क्यों बस को रोका गया, क्योंकि इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने घर तक पहुंचना है। ये कुछ दिनों के लिए अपने घर नेपाल जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बस को रोक दिया गया। अब पुलिस के द्वारा जो है गाड़ी के कागजात को, गाड़ी के परमिट को चेक किया, गाड़ी के जो कागज है, गाड़ी का जो परमिट है वो क्या एग्जैक्टली सही है, ये पुलिस प्रशासन यहां पर चेक करता हुआ। आप एक बार कमेंट करके ये जरूर बताएं, ये जो शिमला से आ रही बस है इसमें लोग जो है जो अपने घर नेपाल जा रहे हैं उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन जिन्होंने बस को रोका है उनका दो टूकी ये कहना है कि इनके साथ एक दो दिन पहले मारपीट भी हुई, ये बस को आगे नहीं जाने देंगे। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ गाड़ी आप नहीं रोक सकते। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, क्या आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी ये देखना बाकी रहेगा। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, मेरा नाम है अमित पुंडीर। इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। नमस्कार।